इंटरव्यू में अपनी वीकनेसेस बताते वक्त ये गलती कभी मत करना। देखो, व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट योर वीकनेसेस तो आप क्या बोल देते हैं, आई डोंट हैव एनी वीकनेसेस, या फिर चॉकलेट इज माय वीकनेस, मैं चॉकलेट को देखकर ना कंट्रोल नहीं कर पाता और मैं खा लेता हूं। इस तरह से आंसर नहीं करना। देखो, पर्पस समझो कि क्यों पूछते हैं। वीकनेसेस आपसे पूछी जाती है ये देखने के लिए कि आप कितने सेल्फ अवेयर हैं, राइट? तो आपको वीकनेसेस बताते वक्त ऐसी चीजें बतानी है जिनका आपकी जॉब प्रोफाइल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दे शुड बी सेंसिबल वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जॉब प्रोफाइल की मेन रिक्वायरमेंट है दैट यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और अगर आप अपनी वीकनेसेस में मेंशन कर दो दैट आई लैक कम्युनिकेशन स्किल्स, वहां पर यू हैव डन इट रॉन्ग। तो वहां पर जो प्रोफाइल की मेन रिक्वायरमेंट थी विच इज कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपके पास नहीं है, देन व्हाई विल दे हायर यू? ओके, सो वी हैव टू मेंशन सच वीकनेसेस जिनका जॉब प्रोफाइल से डायरेक्ट लिंक ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एन आईटी जॉब, ठीक है, और उसके अंदर और आप मानते हो कि आपकी कैश हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं है, ओके, यू कैन नॉट मैनेज योर फाइनेंसेस वेल, सो देयर यू कैन टेल दैट यू नो आई लैक मनी मैनेजमेंट, क्योंकि उसका प्रोफाइल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जब भी कोई अपनी वीकनेस बताते हो तो उसके साथ बताओ दैट हाउ यू आर वर्किंग अपॉन इट, राइट? या फिर आप कुछ ऐसी वीकनेसेस बता सकते हो जिनका इन रिटर्न जो एक्चुअली स्ट्रेंथ हो। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट से नो टू पीपल और आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बट ये भी बताओ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना आप वीकनेस क्यों मानते हो। आप बोल सकते हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से कभी कभी लोग उसको रूडली ले लेते हैं और काम में कहीं दिक्कत आती है। हाउएवर, नाउ आई एम बिकमिंग एन असर्टिव कम्युनिकेटर, जहां पर मैं अपनी बात को ढंग से रखता हूं, अच्छे से रखता हूं कि मेरी बात भी कम्युनिकेट हो जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। Are you getting it? This is how you have to answer for weaknesses.